हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आज हम आपको सिखाएंगे मलाई चाप बनाना। तो मैंने चाप ली है, इनको पानी में डाल लिया है, थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, थोड़ी बर्फ थी इनके अंदर। और मलाई चाप की चटनी के लिए क्या होता है, ये थोड़ा धनिया डाला है हमने, ये हरी मिर्चें और ये लहसुन की 4 कलियां। इन चारों को दोस्तों हम ग्राइंडिंग करेंगे। दोस्तों इसमें हम थोड़ा दही डाल लेंगे और इसको ग्राइंडिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये चटनी देखो बनके तैयार हो गया। अब इसमें गए हुए हैं 1 चम्मच भुना हुआ धनिया और स्वाद अनुसार नमक। ये स्वाद अनुसार जितने चम्मच आप वो तो डाल ही सकते हो। और दोस्तों थोड़ा डाल रहे हैं हम काली मिर्च पाउडर, ये देखो जरा सा हल्का सा। और दोस्तों थोड़ा इसमें चाट मसाला डलेगा। दोस्तों जो हमने चाप स्टिक ली थी निकाल के, इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये दोस्तों हमने 2 चमचे फ्राई पैन में तेल चढ़ा लिया है गैस पे। आप मक्खन से भी कर सकते हो और देसी घी से भी फ्राई कर सकते हो। दोस्तों तेल गर्म हो चुका है अब हमारा, हम इसके अंदर इन पीसों को छोड़ेंगे। दोस्तों लो फ्लेम पे ही इनको पकाना है, थोड़ा थोड़ा सुनहरे सुनहरे हो जाए तब इनको हम निकाल लेंगे। ये दोस्तों कुरकुरे हो जाएंगे, बाजार में तो कोयले की आग पे सेक के और मसाला वगैरह लगा के तल देते हैं, लेकिन हम इनको अपने घर पे फ्राई करके ही बनाएंगे। तो दोस्तों हमने फ्राई कर लिया है चाप को और अब हम इसको थोड़ा सा सेकेंगे, जैसे कोयले पे बाजार वाली सिकाई होती है कोयले पे, उस तरीके से हम गैस पे सेकेंगे इसको, इसमें लेके और ऐसे थोड़ा थोड़ा हम ऐसे सेकेंगे। जितनी प्लेट बनानी होगी उतने आप गर्मा गर्म बनाइए। देखिए दोस्तों हमने थोड़ा थोड़ा इसको सेक लिया है। दोस्तों हमने सब गैस पे थोड़ा थोड़ा सेक लिया। अब हम इसमें गिरेंगे अमूल की मलाई, वो सॉरी मलाई नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम है। ये आप क्वांटिटी कम बत्ती आप कर सकते हो। ये हमने गिर दिया अमूल की क्रीम। और दोस्तों ये गिरा है हमने, ये है हमारे पास तया हुआ अमूल का मक्खन। ये गिरेंगे हम मक्खन इसके अंदर। दोस्तों और ये जो चटनी है, इस चटनी को हम इसमें डालेंगे। ये हमने चटनी डाल दी इसमें। दोस्तों इसको मिलाओ। ये हमारी चाप बनके तैयार हो गई है। दोस्तों इसमें हम प्याज भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्याज ना खाए तो ना करे, लेकिन हम इसमें प्याज भी ऐड कर रहे हैं। ये प्याज ऐड कीजिएगा और इसको सेव कीजिएगा। ये हमारी पूरी तरीके से बनके तैयार हो गई। ये लो दोस्तों। आपको दोस्तों मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नमस्कार दोस्तों।